दोस्तों मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस विद अंकित में। दोस्तों हाजिर हूं एक बहुत ही मोस्ट डिमांडेड वीडियो लेकर। जी हाँ दोस्तों, चैनल पे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि सर छुट्टी के बारे में एक वीडियो बनाइए कि रेलवे में छुट्टियां कैसे मिलती है, कितनी मिलती हैं, क्या रूल्स हैं, किसके तहत हम लोग इमरजेंसी छुट्टी ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चंस आपको आज इस वीडियो में कवर किए गए हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक कवर किए गए हैं। मतलब किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती है। मैं जो आपको आज वीडियो शो करने वाला हूँ, इसके थ्रू आप अपने जो भी आपके सैंक्शन ऑफिसर्स होंगे, जो आपको छुट्टी सैंक्शन करते होंगे, अगर किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाए ना कभी दोस्तों, तो आप ये उन्हें शो करके अपना डिस्प्यूट सेटल कर सकते हो। ओके, तो मैं सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आज क्या क्या कवर करने वाला हूँ। मैं मेनली चार बातों पे मैं फोकस करने वाला हूँ। पहला हो गया कितनी छुट्टी मिलती है एक ईयर में। तो एक ईयर में जो मोस्टली छुट्टी मिलती है 60 to 70 तो आपको ऑथराइज छुट्टियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, ऑथराइज इन द सेंस जो आप लोगे ही लोगे। इसके अलावा इमरजेंसी केसेस में और क्या क्या छुट्टियाँ हैं वो सारी बातें करेंगे हम लोग। दूसरा, CL क्या होता है, LAP क्या होता है, LHAP क्या है, मैटरनिटी लीव क्या है, पैटर्निटी लीव क्या है, स्टडी लीव क्या है, ये सारा चीज़ें। तीसरा, सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग, लीव सेल करके कितने पैसे मिलते हैं। इट मीन्स कि आप अपना लीव सेल भी कर सकते हो। इट मीन्स कि आपका अगर लीव बचा हुआ है, आपने यूटिलाइज नहीं किया है, तो आप उसे बेच सकते हो। स्टडी लीव जो स्टूडेंट को हायर स्टडीज़ के लिए दिए जाते हैं रेलवे में, उसमें सैलरी मिलती है या नहीं, इन सारी बातों पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं कहाँ से ऑथेंटिक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप सर्च करते हो यूट्यूब में, गूगल में, आपको हर जगह इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। बट ऑथेंटिसिटी क्या है इस पर डाउट हो जाता है, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट बिना समय गवाए हुए। ये देखिए दोस्तों, ये इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर अगर कुछ दिया हुआ है, इट मीन्स कि वो बिल्कुल ही ऑथेंटिक है। इसके बेसिस पे कभी कोई भी डिस्प्यूट हो छुट्टी के रिगार्डिंग, कुछ भी, आप अपना डिस्प्यूट सेटल कर सकते हो अपने ऑफिसर के साथ। ओके, चलिए आइए हम लोग नीचे देखते हैं क्या क्या है इसमें। छुट्टी से रिगार्डिंग जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, अगर इस साइट पर नहीं मिला, इट मीन्स कहीं नहीं है। ठीक है, ये इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख चुके हैं, देख लीजिए। राइट टू लीव है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, हर एक टॉपिक पे मैं डिस्कस तो नहीं कर पाऊंगा, कम्बिनेशन ऑफ हॉलीडेज, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, अप्लीकेशन ऑफ लीव, ग्रांट ऑफ लीव, लीव अकाउंट, आप देखते जाइए दोस्तों कितने सारे टॉपिक्स इसमें, आपके हर एक क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, ये आपको बहुत काम आने वाले। कम्यूटेड लीव क्या होता है, लीव ऑन हाफ एवरेज पे, लीव अप्लीकेबल टू स्कूल, देखिए जो मैं LAP की बात कर रहा था, आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज़ कवर किया गया है। ओके, मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। देखिए, स्टडी लीव, हॉस्पिटल लीव, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड एडॉप्शन लीव, मैटर्निटी लीव, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस। तो ये तो हो गया कि यहाँ पे क्या क्या कवर किया गया है। ठीक है, तो मैं जो आपको सबसे बड़ी बात है कि कल होकर अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप इस साइट पर पहुँचोगे कैसे ही? ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको पता ही है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, एक भी स्टेप मिस हुई तो आप पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, ये भी ज़रूरी है बताना कि रास्ते कैसे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे टाइप करना है इंडियन रेलवेज, सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिएगा। ओके, देखिए इसमें जो सबसे पहली वेबसाइट मिलेगी इंडियन रेलवेज .gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सबसे ऊपर में देखिएगा लेफ्ट साइड में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पे, इसमें तीन आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, नो योर मिनिस्टर, रेलवे बोर्ड, अदर रेलवेज, आपको रेलवे बोर्ड पे क्लिक कर देना है। देख लीजिए वही वेबसाइट खुल गई है। अब आपको इस मीनू वाले आइकन पे राइट साइड में जो है उस पर क्लिक करना है, यहां से अबाउट इंडियन रेलवेज में जाना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आपको यहां से जाना है कॉरपोरेट ओवरव्यू में। ओके, इसके बाद जो आपको क्लिक करना है डायरेक्टरेट्स में। ओके, डायरेक्टरेट्स के बाद जो आपको आना है इसमें एस्टैब्लिशमेंट में आना है। एस्टैब्लिशमेंट देख सकते हैं आप यहाँ पे, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बेसिस पे आप आ जाइए, देखिएगा
इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम वन, वॉल्यूम टू ओपन नहीं करना है आपको, वॉल्यूम वन ओपन करना है। ओके, इसमें आ जाइए, आपको कितना जाना है, वॉल्यूम फाइव में, चैप्टर फाइव में आपको लीव के रिगार्डिंग हर एक क्वेश्चन के डिटेल्स मिलेंगे। चलिए अब हर एक टॉपिक के लिए देख सकते हैं वही चैप्टर आ गया है। अब इसको एक एक करके ओपन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे टाइटल हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उनको आपको शो कर दे रहा हूँ। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो, अब आप इस वेबसाइट पर पहुँचिए, आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, कोई भी चीज़ आपका बचेगा नहीं। चलिए मैं कुछ कुछ शो कर देता हूँ, राइट टू लीव ये सब आप पढ़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चंस कभी कभी ये राइज होते हैं कि टोटल कितनी छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है। तो आप 510 नंबर देखिए, मैं मार्क कर दे रहा हूँ ये, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूअस लीव, लगातार कितने साल की लीव मिल सकती है, देखिए पढ़िए। अनलेस द प्रेसिडेंट इन व्यू ऑफ द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस अदरवाइज डिटरमाइंस, इट मीन्स अगर प्रेसिडेंट चाहें तो कितने दिन का भी दे सकते हैं, ठीक है। बट नो रेलवे सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 5 ईयर्स, चाहे कुछ भी हो जाए, आप बीमार हो, कुछ भी हो गया, 5 साल से ज़्यादा नहीं मिल सकता आपको, 5 साल के बाद आपकी ड्यूटी बर्खास्त कर दी जाएगी, इट मीन्स कि आपको रिजाइन कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए फिर नीचे देखते हैं हम लोग, ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे इस वेबसाइट पे आके, मैंने आपको बता दिया इस वेबसाइट पे कैसे पहुँचना है। एक क्वेश्चन होता है कि आपने अप्लाई किया लीव के लिए, लीव आपका ग्रांटेड नहीं हुआ, लीव शैल नॉट बी ग्रांटेड टू ए रेलवे सर्वेंट हुम ए कंपीटिंग पनिशिंग अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू डिसमिस, रिमूव और कंपल्सरली रिटायर फ्रॉम रेलवे सर्विस। आप पढ़ लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट जो जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख लीजिएगा, ये पॉइंट 519 नंबर आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रांट ऑफ लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, इट मीन्स कि मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी को सबमिट करके कैसे आप अपना लीव ले सकते हैं। ओके, चलिए नीचे आते हैं हम लोग, ये देख सकते हैं ये एप्लीकेशन है, फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में लिखना है आपको, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों, आप एक बाई एक करके पढ़िएगा। LAP जिसके बारे में मैं बात कर रहा था उसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक क्वेश्चन जो आती है इसी के रिगार्डिंग आते हैं, लीव ऑन एवरेज पे, रेलवे सर्वेंट परमानेंट और टेम्प्रोरी, परमानेंट हो या टेम्प्रोरी, इट मीन्स टेम्प्रोरी करने का मतलब ट्रेनिंग वाले, अदर देन वन हु इज सर्विंग इन ए रेलवे स्कूल शैल बी इंटाइटल टू 30 डेज लीव ऑन एवरेज पे इन कैलेंडर ईयर, एक कैलेंडर ईयर में से एक साल में आपको 30 मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, 15 डेज ईच ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी एंड जुलाई एवरी कैलेंडर, इट मीन्स कि जनवरी को 15 क्रेडिट होंगे आपको, फिर जुलाई में 15 क्रेडिट होंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं अ पीरियड स्पेंट इन फॉरेन सर्विस, द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर क्रेडिटिंग LAP ऑन 1 जनवरी, ये सब सारी कुछ दिए गई हैं बातें, आप देख सकते हैं। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टैंडिक चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो, इन केस वेयर द लीव ऑन एवरेज पे, अब द एक्यूमुलेटेड एवरेज पे जो होता है ना दोस्तों LAP, ये मैक्सिमम ये एक्यूमुलेटेड होता है, इन द सेंस कि मान लीजिएगा आपने 1 ईयर में 30 यूज नहीं की, तो ये आपका नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाएगा, इस तरह से मैक्सिमम 300 तक आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, ठीक है, इससे ज़्यादा आप एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, उसके बाद आपके LAP एक्सपायर होने लगते हैं। आप पढ़िएगा, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ लीव ऑन एवरेज पे, कैसे कैसे कैलकुलेशन होता है, ये सारी बातें यहाँ पर दिखाई गई हैं, लीव एप्लीकेबल टू स्कूल स्टाफ। नीचे आ जाइएगा, ये LHAP है, देख लीजिए, लीव ऑन हाफ एवरेज पे, ये कितना मिलता है, 20 डेज मिलते हैं, ठीक है, 10 डेज एंड 10 डेज करके, इट मीन्स कि एक 1 जनवरी को 10 मिलेंगे, फिर नेक्स्ट को 10 मिलेंगे। ओके, देखते रहिएगा, सारा कुछ यहाँ पे बिल्कुल आपको पढ़ने का अगर दिल करे तो वन बाय वन करके ज़रूर इसको पढ़िएगा, अगर आप रेलवे एम्प्लॉई हैं या बनना चाहते हैं, कोई ऑफिसर है, हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस किया गया है। ओके, कम्यूटेड लीव मतलब होता है स्थानांतरित लीव, मतलब कि एक दूसरे में परिवर्तित करने वाला लीव, कम्यूटेड लीव नॉट एक्सेडिंग हाफ द अमाउंट ऑफ लीव ऑन हाफ एवरेज पे, ड्यू मे बी ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट टू रेलवे सर्वेंट टू द फॉलोइंग कंडीशन, मतलब मेडिकल कंडीशन पे आपको ये दिया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो और मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ इसमें। लीव टू वर्कशॉप स्टाफ कैसे मिलता है, ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, स्किल्ड आर्टिसन है ये आप पढ़िएगा, 539 नंबर जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे आके पढ़ लीजिएगा। अगर एक एक लाइन करके मैं आपको बताने की शुरुआत करूँगा तो शायद आई थिंक बहुत लेट हो जाएगा।
चलिए ये 540 तक है, इसके आगे के लिए हम लोग नीचे ओपन कर लेते हैं। 540 के बाद 541। चलिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव के बारे में। ओके, ये देखिएगा स्टडी लीव के बारे में पढ़िएगा वन बाय वन। स्टडी लीव मे बी ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड इन अपेंडिक्स 5 ऑफ टू रेलवे सर्वेंट टू इनेबल देम टू स्टडी साइंटिफिक टेक्निकल और सिमिलर प्रॉब्लम्स टू अंडरगो स्पेशल कोर्सेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। सच लीव इज नॉट डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट। इट मीन्स कि अगर आपने लीव स्टडी लीव लिया है तो आपका किसी तरह का लीव माइनस नहीं किया जाएगा। LAP, LHAP, CL सब कुछ आपका रहेगा, ठीक है। काउंटिंग ऑफ स्टडी लीव फॉर प्रमोशन पेंशन सीनियरिटी लीव एंड इंक्रीमेंट्स। स्टडी लीव शैल काउंट एज सर्विस फॉर प्रमोशन पेंशन एंड सीनियरिटी। इट शैल ऑल्सो काउंट एज सर्विस फॉर इंक्रीमेंट्स एज प्रोवाइडेड इन रूल्स। ओके फ्रेंड्स, आप देख लीजिए यहाँ पे लिया हुआ है। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ पैटर्निटी लीव और मैटर्निटी लीव के बारे में। देख लीजिए पैटर्निटी लीव है, ये मैटर्निटी लीव यहाँ है, देखिएगा 500 मैटर्निटी लीव। अब फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, ठीक है, 2 चिल्ड्रेन तक ही आपको ये सारे लीव मिलते हैं। अगर आपके तीसरे बच्चे हो रहे हैं तो उस केस में आप मैटर्निटी लीव या पैटर्निटी लीव के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कितने दिन मिलती है? मे बी ग्रांटेड मैटर्निटी लीव बाई एन अथॉरिटी कम्पिटेंट टू ग्रांट लीव फॉर ए पीरियड ऑफ 135 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। इट मीन्स 135 डेज की आप मैटर्निटी लीव ले सकते हैं। सैलरी आपको बनती है इसमें, देखिए अगर मिसकैरेज होता है, एबॉर्शन होता है, उस केस में 45 डेज का मिलता है। ओके, यहाँ सारा कुछ दिया हुआ है आपको। पैटर्निटी लीव आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 डेज की मिलती है, ये रही पैटर्निटी लीव 15 डेज की। ओके, चाइल्ड एडॉप्शन के केस में भी आपको 135 डेज। एन एडॉप्टिव मदर ऑन द रेलवे विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन मे बी ग्रांटेड लीव ऑफ 135 डेज एज चाइल्ड एडॉप्शन लीव ऑन एडॉप्शन। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको सारा लीव के रिगार्डिंग सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि पैटर्निटी लीव क्या है, मैटर्निटी लीव क्या है, और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज हो रहा है इस साइट पर पहुँचे और अपना क्लियर करें। इन सब के अलावा CL जो मिलता है वो 10 मिलता है कैजुअल लीव, ठीक है, ये आपको शो नहीं किया जाता है यहाँ पे, बट ये आपको जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे आपके जो भी सीनियर अथॉरिटी होंगे वो आपको CL दिया करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल कितने हो गए लगभग। अगर मैं बात करूँ CL 10 हो जाते हैं, LAP की बात करें तो ये अप्रॉक्स 30 हो जाते हैं, LHAP की बात की जाए तो 20 हो जाते हैं। इट मीन्स कि 30, 20, 50, 60 ये हो गए, और एक दिन सप्ताह में छुट्टी मिलती है। इट मीन्स कि मान लीजिए कि 56 वीक्स हैं सपोज दैट, तो 56 तो वो हो गए। अगर बात कर ले तो संडे की छुट्टी अगर जोड़ लीजिएगा आप तो छुट्टी है दोस्तों, छुट्टी ऐसी है, 60 दिन तो है। इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस भी आपको छुट्टियां मिलती है ऑन मेडिकल ग्राउंड। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो एक और राइज होता है इसमें कि मान लीजिए कि आपके सारे LAP LHAP सब कुछ खत्म है तो क्या होगा, तो आपका नेक्स्ट जो आने वाला है सपोज दैट मान लीजिए आपने एक 30 एक कैलेंडर ईयर में ख़त्म कर लिए और 15 आपने और लीव ले लिए, जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें से 30 होंगे तो उसमें से 15 डेबिट कर दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये काउंट होता है। ओके, तो आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सक्सेस विद अंकित को, अभी बहुत कुछ है जो हमारे चैनल पर आने वाला है। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का एंड करता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए See you. Bye-bye.